करिश्माई मिडफील्डर पॉल पोग्बा को अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान बनाने पर विचार किया जा रहा है। मैन यू के मैनेजर ओले गनर सोल्जायर की माने तो पोग्बा नए परमानेंट कैप्टन बनाए जा सकते हैं। एंटोनियो वेलेंसिया को अलविदा बोलने के बाद यूनाइटेड को एक नए लीडर की बेहद ज़रूरत थी। हालांकि एशली यंग ने पिछले सीजन में यह कमान ज़रूर संभाली थी, लेकिन 34 वर्षीय यंग का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। जुवेंटस और रियल मैड्रिड से ट्रांसफर संपर्क के बाद ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पोग्बा ओल्ड ट्रैफर्ड में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। फीफा वर्ल्ड कप विजेता पोग्बा बेहतरीन मिडफील्डर हैं, जिन्होंने अपनी ड्रिबलिंग, बॉल कंट्रोल एंड एक्यूरेट पासिंग से वर्ल्ड फुटबॉल में अपनी छाप छोड़ी है। यूनाइटेड के प्री सीजन टूर में भी पर्थ ग्लोरी के खिलाफ मार्कस रैशफोर्ड को एक बेहतरीन असिस्ट दिया था। अगर यूनाइटेड की कप्तानी पोग्बा को सौंप दी जाए तो ये निश्चित है कि हमें कंसिस्टेंट और मैच्योर पॉल पोग्बा देखने को मिलेगा, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। ट्रांसफर विंडो के बिडिंग वॉर के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि यूनाइटेड अपने स्टार खिलाड़ी को रोक पाएंगे या जुवेंटस और रियल मैड्रिड पोग्बा को मिडफील्ड का हिस्सा बनाते हैं।